क्लास 10। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारे पीएच की हमारी डेली लाइफ में। इससे पहले टॉपिक में हमने पीएच स्केल पढ़ा था, तो हमारी जो इम्पोर्टेंस है पीएच की, वो उसका भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में। तो इसके बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके इसके सारे एग्जाम्पल को मैं डिस्क्राइब करूँगी। सबसे पहला है pH is great significance in our daily life। pH का एक बहुत बड़ा significance है हमारी daily की life में। Some example are given below। उसके कुछ example हैं acidity in stomach। पहला example कैसे है, जैसे देखो अभी हम daily खाना खाते हैं, खाना खाने में जो digestion के लिए जो juice secrete होता है वो होता है HCl juice होता है। तो HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। अब हमने क्या किया, हम शादी वादी में गए या कहीं ऐसी जगह गए कि हमने ज़्यादा अमाउंट में खाना खा लिया। अब ज़्यादा अमाउंट में खाना खा लिया तो HCl भी ज़्यादा सिक्रीट होगा, लेकिन वो ज़्यादा सिक्रीट होगा तो उसके सिक्रीट होने से क्या होगा, हमें पेट में जलन महसूस होगी, ठीक है, और दर्द सा महसूस होगा। अब उससे हमें रिलीफ पाना है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे, ज़्यादा जलन हो रही है या ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, उस प्रॉब्लम को हम हाइपर एसिडिटी बोलेंगे, ठीक है। अब उसे रिलीफ पाना है तो जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें दवाइयाँ देता है, तो दवाई में वो जो दवाई देता है वो होती है बेसिक नेचर की होती है, जैसे कि एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है। जैसे ही हम उसे लेंगे तो एसिड क्या होगा, बेस के साथ रिएक्ट होगा, बेस के साथ रिएक्ट होने पर वो क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्ट होकर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो हमारी एसिडिटी है उससे हमें रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ हाइपर एसिडिटी, कि जब हम ज़्यादा अमाउंट में खाना खा लेंगे तो एसिड जो प्रोड्यूस होगी ज़्यादा अमाउंट में, HCl जूस का सिक्रीशन होगा, उसे हम हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है टूथ डिके। क्या है, टूथ डिके, तो जो हमारे माउथ का पीएच होता है वो 6.5 होता है, 6.5 के नियर होता है, लेकिन जैसे ही मैं खाना खाती हूँ तो सबसे पहले हमारा डाइजेशन कहाँ होता है, बॉडी में, माउथ में होता है, तो उस टाइम क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड से जूस सिक्रीट होगा और उस टाइम एसिड भी सिक्रीट होगा, तो हमारा जो पीएच होगा वो कम हो जाएगा, वो किस पे आ जाएगा, 5.5 पे। जैसे ही वो 5.5 पे आएगा तो वो कितना हो जाएगा, एसिड नेचर का हो गया, क्योंकि 7 से तो बहुत कम हो गया, 5.5 तो वो एसिड नेचर का हो गया। लेकिन अब उसे मेरे को न्यूट्रलाइज करना है तो मैं क्या करूँगी, ब्रश करूँगी। ब्रश जो होता है वो बिटर नेचर का होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है, इसलिए वो बेसिक नेचर का होता है, और जैसे ही मैंने ब्रश किया वो कहाँ हो जाएगा, 7 पे पहुँच जाएगा, क्योंकि वो बेसिक नेचर का हो जाएगा, जब एसिड बेस से रिएक्ट होगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टिंग ऑफ इंसेक्ट। क्या है, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, जैसे ही हमें कोई चींटी काटती है, चींटी काटती है तो बहुत पेन होता है, या कोई भी कीड़ा काटता है तो वो बहुत पेन होता है, वहाँ रेडिश हो जाता है, जलन होती है, खुजली होती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी हमें कोई कीड़ा वगैरह काटता है या कोई चींटी काटती है, कोई इंसेक्ट काटता है, तो वो क्या करता है, एक एसिड छोड़ता है, उस एसिड को, जैसे कि चींटी जो होती है उसकी उसकी स्टिंग में जो एसिड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो वो फॉर्मिक एसिड छोड़ेगी तो वहाँ स्वेलिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा जलन होती है, खुजली होती है, ठीक है। अब उसे मुझे सही करना है तो मैं कोई भी ऑर्नामेंट्स लगा लूँगी जो कि बेसिक नेचर के होंगे, वो क्या करेंगे, उसको, उसके पीएच को कम कर देंगे, सॉरी पीएच को बढ़ा देंगे, एसिड है ना, पीएच को बढ़ा देंगे, मतलब 7 से ऊपर, 7 बेस कर दूँगी तो 7 का रीप ला देंगे उसे, तो मेरी उस जलन को रिलीफ मिल जाएगा, है ना, और वो ख़त्म, वो जलन जो होगी या खुजली जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी या बंद हो जाएगी और स्वेलिंग भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट होता है एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, जो रेन क्या है, एक प्योर वाटर है जो कि हमें मिलता है, लेकिन इस ये क्या करता है, इसका अगर पीएच कम हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, पॉल्यूशन को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। जब एसिड रेन होती है ना तो उससे क्या होगा, एसिड रेन जब होगी ये हार्म करेगा हमारे ट्रीज़ को, हमारे प्लांट को, हमारी फार्मिंग में, सब में ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है जो एसिड रेन होती है। शू वाली जो बारिश होती है इसे हम एसिड रेन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट में एसिड मिक्स होता है, ठीक है। अब आता है पीएच ऑफ सॉइल। पीएच ऑफ सॉइल क्यों, पीएच ऑफ सॉइल, जो सॉइल होती है ना उसका पीएच जो होता है वो कम हो जाए तो वो क्या करता है, हमारे प्लांट्स के, हमारे हमारे प्लांट्स के लिए
बेकार होता है, तो हमें है ना पीएच, सॉइल का पीएच चेक करना पड़ता है। सॉइल का पीएच चेक करने से क्या होगा, जैसे ही हम सॉइल का पीएच चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी सॉइल कैसी है। तो सॉइल का पीएच चेक करने से हमें ये भी पता चल सकता है कि यहाँ पे ग्रो होने वाली हमारी जो वो होगी सॉइल या क्रॉप, सॉरी, जो हमारी ग्रो होने वाली क्रॉप होगी ना वो कैसी होगी और कितनी अच्छी होगी, उसकी हार्वेस्टिंग से हमें पीएच चेक करते ही हमें पता चल जाएगा। क्लियर? तो पहला क्या है, एसिडिटी इन स्टोमा, फिर टूथ डिके, फिर स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, फिर एसिड रेन और पीएच इन सॉइल। अगले वीडियो में हम सम यूज़फुल कंपाउंड इन एवरीडे लाइफ के कुछ ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ आते हैं, ठीक है? और वहीं से इस वीडियो को प्रोसीड करेंगे।